वो शेर जहाँ मर्जी डाल लेते हैं। आज मोहम्मद सिराज तो हर जगह डाले हुए हैं। आपने किसी शेर को नेक्स्ट देख लेना, 100 से नीचे नीचे ऑल आउट हो जाएंगे ये सर्टिफिकेट वाले। बॉलर्स की बॉल चलती है, वो तो सारी टीमों की वो टांगे कामने शुरू हो जाती है। अभी से आज कैप्टन रोहित शर्मा ने अपनी बॉलर्स पे यकीन किया, उन्होंने ग्राउंड में भेजा कि जी नोच का उखाओ खा चेज ही नहीं कर पाएंगे। इंडिया साथ जो अफ्रीका ने किया था ना पिछले मैच में, इंडिया ने इससे भी बुरा करना है अफ्रीका के ऊपर जो लड़े हैं। जैसे उन्होंने कैच नहीं छोड़े, जैसे उन्होंने विकेट निकाली, बोल्ड किए बॉलर ने लाइन लेंथ पे बॉल ले सिराज साथ आउट करने की आदत है, वो उसको शायद ओवर नहीं दिए इन्होंने, वरना इसने कर देने दे। जाए जा रहे थे। और बैट्समैन जो थे विराट कोहली के साथ बॉलिंग भी है और मुझे लगता है आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, अगर आज बात करें हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जैसे कि उनकी आज बॉलिंग इंडिया के इस मोहम्मद सिराज ने अपनी 6 विकेटें ली, मुकेश कुमार ने अपनी 2 विकेटें ली और कोई स्कोर नहीं, मुकेश कुमार को किसी भी बैट्समैन ने नहीं मारा। अगर हम बात करें बुमराह की, उन्होंने 2 विकेटें ली। सर क्या कहेंगे उनकी आज जिस तरह बॉलिंग के हवाले से मोहम्मद सिराज और मुकेश और बुमराह? बॉलिंग की अगर बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग, कमाल की बॉलिंग उनकी रही है। अगर मोहम्मद सिराज की बात की जाए, कमाल की बॉलिंग है यार। किसी एक दो बॉलर की उन्होंने वारी आने नहीं दी, उतने जल्दी इनिंग ख़त्म कर दी। मोहम्मद सिराज का क्या, जिस दिन उसका अच्छा दिन होता है ना अगले टीम का, तो फिर आप ना ही समझे आगे उनका दिन ही नहीं है, फिर मोहम्मद सिराज का दिन होता है। और मोहम्मद सिराज ने एशिया कप के फाइनल में भी उनको बताया कि भाई किस तरह खेलते हैं, 50 के राउंड अराउंड उनको आउट कर दिया श्रीलंका की जैसी टीम को। और आज साउथ अफ्रीका की टीम के होम ग्राउंड में जाके यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करना इंडियन बॉलर्स, आउटस्टैंडिंग यार, कमाल की बॉलिंग। सर आज अगर बैटिंग लाइन देखें, बैटिंग लाइन में अगर विराट कोहली देखें वो एंड तक ले कर चले, मगर विराट कोहली की बैड लक के उनकी 46 हुई, उनकी हाफ सेंचुरी भी नहीं हो पाई, तो क्या कहेंगे सर पिच के हवाले से? अगर पिच इतनी मतलब हार्ड पिच थी आज, फिर भी इंडिया ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है बैटिंग के लाइन में भी देखे तो। जी देखा जाए तो न्यूजीलैंड्स के जो पिच है ना बहुत डिफ़िकल्ट पिच है पूरी दुनिया में। अगर वो पिच की बात की जाए तो इंडिया ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया है। हालांकि देखा जाए जिनका होम ग्राउंड था, अपना होम ग्राउंड था, वो 55 पे ऑल आउट हो गए और इन्होंने 155-160 तक अपना स्कोर लेके गए, ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया ने आज कमाल कर दिया है बैटिंग में भी, और अगर बात की जाए तो बैटिंग में नो डाउट अच्छा किया है। ये तो बॉलर्स थे, बॉलर्स आए जा रहे थे जाए जा रहे थे, और बैट्समैन जो थे विराट कोहली की साफ सेंचुरी तो होनी चाहिए थी, लेकिन चेस मास्टर आप ऐसे नहीं कहा जाता उनको, पूरी साउथ अफ्रीका की सारे 11 प्लेयर जितनी उसने अकेले बना लिया स्कोर, तो यार अनफॉर्च हो गया। तो विराट कोहली की हाफ सेंचुरी होनी चाहिए थी, और एक आधा बैट्समैन को और विराट कोहली के साथ देते तो विराट कोहली की हाफ सेंचुरी भी हो सकती थी आज, हाफ सेंचुरी होते। चलो ठीक है सर, आप क्या देखते हैं अगले दिन क्या होने जा रहा है, कल के मैच पे के हवाले से क्या कहेंगे, प्रेडिक्शन देंगे आपको कल क्या होने जा रहा है? ये कल ये होने वाला है, कल जो है हिस्ट्री क्रिएट होती जा रही है कि जो अफ्रीका की जो टीम है वो जीतती है हर साल, हर दफ़ा इंडिया से जीतती है, तो इस दफ़ा वो सिस्टम नहीं होगा। इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप देखें बॉलिंग में बॉलिंग किस तरह की तबाही बचा दी उन्होंने मोहम्मद सिराज और उसने मुकेश कुमार ने, तो इंडिया जीत जाएगा यार, इजीली जीत जाएगा। अभी अगर नेक्स्ट देख लेना, 100 से नीचे नीचे ऑल आउट हो जाएंगे ये साउथ अफ्रीका वाले, देखते रहना आपके सामने ही है पिच। ओके सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ और जिस तरह इंडिया ने पहली इनिंग अपने नाम काट ली, और जिस तरह बुमराह चले और सिराज चले और मुकेश कुमार चले, क्या कहेंगे सर बड़ा अच्छा आज परफॉर्म किया, क्योंकि अटैकिंग बॉल ने तो सबको हिला दिया आज। यार देखो आपको पता ही है इंडिया जब भी करता है सरप्राइज़ करता है, आज भी इंडिया ने सरप्राइज़ किया। मतलब है कि इंडिया की वो टीम, यानी कि वो जो कहते थे ना कि इंडिया जाके साउथ अफ्रीका से जाके मैच नहीं जीत पाएगा, बिलीव करो हम लोग सुबह से मैच ही देख रहे थे, पहले पाकिस्तान का देखते रहे, आपके सामने पाकिस्तान की सिचुएशन जा रही है, तो आज थोड़ा अच्छा कर लिया वो भी आ गया, एक आधा प्लेयर चल गया तो कर लिया, बाकी तो टीम का तो आपको पता है बेड़ा कर कोहली की। जो इंडिया ने आज सिराज ने किया है ना, आज 6 विकेटें यार, कभी फाइफर मार देता है कभी सिक्सर मार देता है, ऊपर से बुमराह का प्रेशर, ऊपर से मुकेश कुमार, यार वो नया लड़का यंग लड़का, बिलीव करो मैं तो शहीन को कहूंगा जाके उससे सीख लो। अच्छा। 0 स्कोर और 2 यानी कि उसके विकेट लिए, ऐसा बॉलर होना चाहिए यार जब आए आगे छा जाए। मतलब सर आपने बड़ी बात मजेदार किया, मुझे बताए काफ़ी लोग जो कि कह रहे 30 साल से जिस पिच में आज मैच हुआ है इंडिया आज जीत नहीं सका, इंडिया ने वो भी इसके अपने नाम काट ली, रोहित शर्मा के
कप्तानी पे उन्होंने वहाँ से मैच पहली इनिंग उन्होंने देख लिया, आपको क्या लगता है टेस्ट भी देखेंगे ये पहला? सर देखिए रोहित शर्मा जब तक अपनी टीम के साथ आना मैं लगता है इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल है। लास्ट तो ये इंडिया हार गई थी वो मुझे लगता है कि बस यानी कि विकेट का मसला था, थोड़ा बहुत इशू था या उन्हें समझ नहीं आई, बिल्कुल अभी नया नया दिन था उसको समझ नहीं आई, बट जो आज उन्होंने कर दिया इंडिया ने, आज इंडिया ने बता दी है कि हम जहाँ मर्जी जिस मर्जी ग्राउंड में हो चाहे इंडिया का हो चाहे साउथ अफ्रीका का हो हम वहाँ पर जाके बेड़ा गर्क करेंगे। कभी देखो लास्ट टाइम आपको याद होगा एशिया कप के अंदर इंडिया ने अपने घर में बुला के साउथ अफ्रीका को 83 भी आउट किया था, श्रीलंका को उसके घर में जाके उन्होंने 55 भी आउट किया था। अभी देखो साउथ अफ्रीका को इंडिया की यंग टीम ने यंग लड़के थे उन्होंने आई थिंक 120 भी आउट किया में तो 95 में आउट किया था। अब क्या कहेंगे लास्ट में मोहम्मद सिराज के हवाले से जो लास्ट टाइम श्रीलंका में एशिया कप उन्होंने जीता और श्रीलंका के होम ग्राउंड में उनको मार के मोहम्मद सिराज के सर क्या मोहम्मद सिराज तो चाहे हुए यार उनकी बॉल बड़ी बहुत अटैकिंग। वो लोग जो बातें करते थे ना इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है बॉलिंग नहीं है, अब भैया इंडिया के पास बैटिंग के साथ बॉलिंग भी है और मुझे लगता है इंडिया की बॉलिंग ज्यादा खतरनाक है इंडिया की बैटिंग से इस टाइम। बिलीव करो जब इंडिया की बॉल चलती है ना तो विकेट बॉलर्स की बॉल चलती है वो तो सारी टीमों की वो टांगे कामने शुरू हो जाती है। अभी बड़े बड़े प्लेयर वो इंडिया से रह रहे हैं, अभी देखो साउथ अफ्रीका के जो यानी कि जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर 114 पकड़े कितने वो भी 4 स्कोर पे ढेर हुए हैं, मतलब कि सिराज ने आज वो किया जो उन्होंने 83 स्कोर पे साउथ अफ्रीका को आउट करके किया था, मतलब इंडिया के सामने खड़ा होना और इंडिया को फेस करना बिलीव करो वैसे ही मुश्किल है जैसे आप सूरज के सामने खड़े हो गए धूप से करें और आपको गर्मी लग रहा पसीना पसीने हो जाए, यही आज साउथ अफ्रीका का। ओके सर आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच सेकंड टेस्ट मैच आज अगर बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की तो बॉलिंग छा गई और मोहम्मद सिराज की जो कि मोहम्मद सिराज तो आगे विकटें काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और उन्हें आज फिर 6 विकटें लिए 15 स्कोर। अगर हम मुकेश की बात करें तो कोई स्कोर भी नहीं हुआ तो 2 आउट उनके हो गए और बुमराह जो है उन्होंने 2 विकटें ली, क्या कहेंगे सर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग आज कहां से इंडिया ले आए जो छुपाई हुई थी बॉलिंग आज उन्होंने दिखाई है बॉलिंग अपनी? देखिए इंडिया की बॉलिंग पहले दिन से स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि मिथ बनी थी यार इंडिया कभी बॉलिंग अटैक नहीं कर पाता, इंडिया के पास बॉलिंग स्क्वाड नहीं है, लेकिन इंडिया के पास बॉलिंग स्क्वाड है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग की है, मतलब आते सार उन्होंने विकेट्स जो निकाली इंडिया के लिए बड़ी ज़रूरी थी और इंडिया ने वो करके दिखाया। कैप्टन ने अपने बॉलर्स पे यकीन किया, उन्होंने कहा जी हमला कर दो ग्राउंड में उतर गए अटैक हमला तोपे दनालियां चला दो सारियां। उन्होंने सर आपको क्या लगता था ये इतना मैच वन साइडेड जो के चल गया वन साइड जो साइडेड पहली इनिंग जो इंडिया अपने नाम कर लिया उन्होंने और कोई स्कोर करने नहीं दिया उन्होंने आज इंडिया को उसको साउथ अफ्रीका कोई स्कोर नहीं करने दिया, साउथ अफ्रीका तो डेढ़ वहाँ का वहाँ हो गया 45 टेस्ट बॉलों में इतना कम स्कोर किया उन्होंने। देखिए बॉलिंग अटैक भी डिपेंडेबल है, बॉलिंग बड़ी अखीर की इंडिया ने, नो डाउट इंडिया ने जो अग्रेशन दिखाया जो पिच के ऊपर जो लड़े हैं जैसे उन्होंने कैच नहीं छोड़े जैसे उन्होंने विकेट निकाली बोल्ड किए बॉलर ने लाइन लेंथ पर बॉल की है क्रेडिट जाता है यार बॉलर्स को क्यों नहीं जाता। सिराज ने जिस तरीके बॉलिंग की है उसके साथ दूसरे एंड पे आपको पता है बुमराह लगा हुआ था ऊपर सोने पे सुहागा हो गया, मुकेश भी आज चल पड़ा 0 स्कोर पे 2 विकेटें यार और बंदे सिराज ने 6 विकेटें ले ली यार बड़ा एक उनके लिए ना रिकॉर्डेबल है क्योंकि केप टाउन के अंदर अभी तक पिछले 30 सालों में इंडिया कभी जीता नहीं है तो मुझे लग रहा है कि इंडिया ये वाला जो मैच है ना 30 साल का अगले 60 साल का रिकॉर्ड बना कर जाएगा। लोग कहते थे इतनी हार्ड पिच है इंडिया आज तक नहीं जीता, आपको वाली बात ही तो इंडिया ने वो भी अपनी हिस्ट्री कायम कर लिया कि भाई इंडिया जीतेगा जहाँ पे भी आप खिलाड़ो कोई पिचेस का नहीं होता, जब बुमराह जैसी बॉलिंग सिराज जैसी बॉलिंग मुकेश जैसी बॉलिंग चलेगी तो पिच कोई भी डिपेंड नहीं करता। देखिए यकीन होना चाहिए बॉलर्स की वजह से आज कैप्टन रोहित शर्मा ने अपनी बॉलर्स भी यकीन किया उन्होंने ग्राउंड में भेजा कि जी नोच खाओ खाओ खा जाओ साउथ अफ्रीका की शेर बन जाओ यहाँ पे, उसने कहा भाई पिछला मैच जो मिसअप हो गया हमारे साथ बस ठीक है उसको जेन से निकालो अब अगला मैच जोन से है ना इनकी बुंडों से मांस उड़ा दो पकड़ के। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ। वलीद भाई आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ आज पहली इनिंग जो इंडिया ने अपने नाम किया है क्या कहेंगे सर उनकी बॉलिंग के हवाले से मोहम्मद सिराज का बुमराह का जो कि मुकेश का क्या कहेंगे सर उनका? यार जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग कर दी है ना लाइक इसे कहते हैं कमबैक, कितना मजे वाली गेम के लिए यार इन्होंने लाइक उम्मीद नहीं थी कि शायद इतनी जल्दी इंडिया पकड़ गया। देखिए इंडिया वही टीम है जिन्होंने श्रीलंका को उनके घर जाके 50 पे आउट किया था, फिर इंडिया में जाके 55 पे आउट किया, अफ्रीका को 83 पे आउट किया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इतना बुरे तरीके से अपने घर से हरा के हम तो क्या सोच रहे थे यार इंडिया शायद भाई जाके खेल नहीं पाएगा। इंडिया ने देखे पिछला मैच तो इंडिया हार गया था टेस्ट मैच पर आज के टेस्ट मैच के अंदर इंडिया हमें एक नए रूम में नजर आया एक नया कमबैक किया यार सिराज की ना
फेस से लग रहा था वो विकेट जाता है। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग में विकेटें उड़ाई हैं और शामी ने शामी की कमी पूरी की है। देखें शामी हो वो फाइफर मारता है, बुमराह को मौका मिले वो फाइफर मारता है, कुलदीप यादव फाइफर मारता है, और सिराज को तो शायद 6-5 आउट कर लेना, सिराज 7 आउट करने की आदत है, वो उसको शायद ओवर नहीं दिए इन्होंने, वरना इसने 7 आउट कर देने थे जैसे वर्ल्ड कप में इन्होंने किए थे आउट। यार अमेजिंग यार जिस तरीके से आज इंडिया खेल गया ना, लाइक एप्रिसिएशन बनती है यार इंडिया को। सर आज जिस तरह लोग कह रहे थे कितना अर्सा 30 साल हो गया उस पिचेस पे आज तक इंडिया नहीं जीता, मगर रोहित शर्मा की कप्तानी में आज हिस्ट्री बन गई कि इंडिया वहाँ से पहली इनिंग्स अपनी जीत गया। आपको क्या लगता है टेस्ट भी जीत जाएंगे सेकंड जो है? यार ये इंडिया वही वो टीम है जो कि टेस्ट मैच को 5 दिन में ख़त्म नहीं करती, ये देखना कल तक मैच खत्म हो जाएगा। इंडिया ने आज ये कर लेना मैक्सिमम स्कोर, इंडिया 250-300 स्कोर करके कल 400 स्कोर करके बैटिंग दे देगा और चेज ही नहीं कर पाएंगे। इंडिया साथ जो अफ्रीका ने किया था ना पिछले मैच में, इंडिया ने इससे भी बुरा करना है अफ्रीका के साथ, देख लेना। इंडिया अफ्रीका भी 1 इनिंग से जीता था, इंडिया भी 1 इनिंग से जीत गया, हिसाब बराबर। अब देखिए हमें पाकिस्तानी अवाम कहती थी कि यार इंडिया अपने होम ग्राउंड का शेर है, तो वो देख लो वो शेर जहाँ मर्जी दाड़ लेता है। आज मोहम्मद सिराज तो हर जगह दाड़े हुए हैं। अपना किसी शेर को एक जंगल से उठा के दूसरे जंगल में भेजोगे ना, शेर शेर ही रहेगा। उन्होंने जैसे आज प्रूव किया है ना उनकी बैटिंग ने, बॉलिंग ने, यशस्वी जायसवाल की बैड लक थी नहीं चल पाए, रोहित शर्मा ने स्टार्टिंग में आगे जैसे T20 की तरह मैच खेल रहे थे, विराट कोहली भी जैसे खेल रहा है, यार अमेजिंग यार इंडिया लाइक बहुत मजे वाली क्रिकेट खेल रहा है। आप देखें एक वक्त था जब हम कहते थे टेस्ट मैच के अंदर एक ना बैट्समैन सेंचुरी करता था 200-300 बॉल्स के अंदर, ये इंडिया नहीं है कि बेसबॉल शुरू किए आके तेज खेलना शुरू कर दिया और टेस्ट मैच को T20 खेल रहे हैं। यही तो मैं रानू वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे T20 खेल रहे हैं, स्पीड से खेल रहे हैं, स्पीड से खत्म करो, कह रहे टेस्ट है ही नहीं या वो T20 समझ। आने वाले वक्तों में ना मुझे लगता है ICC ने कहना यार उन्होंने सिर्फ इंडिया की वजह से टेस्ट मैच को 5 दिन का हटा के 3 दिन का कर देना, क्योंकि इंडिया खेलता ही 30 दिन है। यार देखो इंडिया हारता भी वन साइडेड, इंडिया जीता भी वन साइडेड है। चलो ठीक है सर।